वर्ष 2018-2019 में केंद्र सरकार ने नीम कोटेड यूरिया की एक बैग में 5 किलोग्राम वजन कम कर दिया है। इसका मुख्य कारण बताते हुए सरकार का कहना है कि यूरिया की ज्यादा उपयोग से मिट्टी पर बुरा असर होता है, इसलिए देश के सभी किसान जैविक खाद का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्मी कंपोस्ट की स्थापना के लिए किसानों को भारी मात्रा में सब्सिडी दे रही है। इस सब्सिडी का लाभ वह सभी किसान ले सकते हैं जो खुद की खेती के लिए जैविक खाद तैयार करना चाहते हैं और वर्मी कंपोस्ट का व्यापारिक उत्पादन करना चाहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद के बारे में। केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट क्वीन ऑफ कंपोस्ट भी कही जाती है। ये खाद केचुए और वेस्ट मटेरियल्स को डीकंपोज करके बनाई जाती है। केचुआ खाए गए भोजन का सिर्फ 2% भोजन ही पचा पाता, बाकी बचा 98% भोजन बाहर निकाल देता है। ये खाद केचुए और वेस्ट मटेरियल्स को डीकंपोज करके बनाई जाती है। केचुए का उत्सर्जन हमेशा से ही प्राकृतिक खाद के रूप में उत्कृष्ट मानी जाती है। वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया को वर्मिन कंपोस्टिंग कहा जाता है। ये जैव उर्वरक के निर्माण की एक लोकप्रिय प्रक्रिया बन चुकी है। वर्मी कंपोस्ट पोषक होने के साथ साथ मिट्टी को नरिश भी करता है। इसमें पौधे के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, सल्फर और पोटेशियम जैसे कई आवश्यक पोषक तत्व शामिल है। सभी परिस्थितियां अनुकूल होने पर केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 महीने में बन जाता है, जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, पोटैश, फास्फोरस और मैग्नीशियम आदि मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं व अन्य तत्व लोह तत्व जस्ता और मैंगनीज आदि प्राप्त होते हैं। केचुआ को किसान का मित्र और धरती की आत कहा जाता है। यह भूमि की अन्य परतों में फैला रहता है, जिससे धरती मुलायम और हवादार होती है और मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। केचुए के पेट में जो रासायनिक क्रिया होती है उससे मिट्टी में पाए जाने वाले अनेक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। ये केचुए वर्ग सेफ्रोफेगस के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला डेट्रिटी वायरस, ये मिट्टी के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ये लाल चॉकलेटी रंग और चपटी पूंछ के होते हैं। इनका उपयोग खाद बनाने में होता है। इनको ह्यूमस किसान केचुए कहा जाता है। दूसरा जियोफेगस, ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ये रंगहीन और सुस्त होते हैं। ये ह्यूमस और मिट्टी का मिश्रण बनाकर मिट्टी को मुलायम बनाते हैं। केचुआ खाद तैयार करने की विधि, सबसे पहले रेत पर आसानी से अपघटित हो जाने वाले सड़नशील पदार्थ फसल के पत्ते या अवशेष की 2 से 5 इंच परत बनानी चाहिए। अब सड़नशील परत पर 2 से 3 इंच गोबर की खाद के परत बनानी चाहिए। अब इनमें केचुओं को डालें और फिर से पत्ते या फसल के अवशेषों की 7 से 9 इंच परत बनाएं। अब इसमें बाकी मिश्रण डाल दें। अब इसको समतल करके 2 से 3 इंच गोबर की परत बना दें, ताकि तेज धूप या बारिश से बचाव हो सके। गोबर की परत पर आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव करते रहें, ताकि नमी बनी रहे। पर ध्यान रहे, ज्यादा पानी डालने से बेड में हवा रुक सकती है, जिससे केचुए और जीवाणुओं को सांस लेने में समस्या हो सकती है। बेड या गड्ढे के तापमान पर विशेष ध्यान रखें, जिसका तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। 7 से 10 दिन में बेड को पलटते रहना चाहिए और ठोस पदार्थ को हाथ से तोड़ दें। अब आपको 1 महीने बाद बेड में छोटे छोटे केचुए के अंडे नजर आने लगेंगे, जिसमें केचुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। 45 से 50 दिन बाद पानी का छिड़काव बंद कर दें। 1.5 से 2 महीने में इसकी खाद बन जाती है। इसमें मिट्टी जैसी सौंधी गंध आती है और दिखने में चाय के पाउडर जैसी होती है। खाद निकालते समय छोटे छोटे ढेर बना दें, ताकि केचुए नीचे चले जाएं। हमेशा खाद को हाथ से ही अलग करें, फावड़ा या अन्य किसी ठोस यंत्र का प्रयोग ना करें। खाद बनने के बाद अब आप देखेंगे कि केचुए बहुत ज्यादा हो गए हैं। इनसे आधे केचुए से आप नए बेड की शुरुआत कर सकते हैं या बेच भी सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किसी खास मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है। खाद के बनने के बाद उसे छानने के लिए छन्ने और फावड़े का उपयोग किया जाता है। जो चीजें आप केचुए खाद के लिए प्रयोग में लाने वाले हैं, उसकी नमी 40 से 50% बनी रहनी चाहिए। जो बेड आप केचुए खाद के लिए तैयार कर रहे हैं, वो छायादार व हवादार स्थान में होना चाहिए। प्रत्येक प्रक्रिया में 1 टन खाद बनाने के लिए
100 वर्ग फुट आकार का बेड पर्याप्त है। केचुए के अन्न उपयोग। केचुए का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि बनाने में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 2000 से 10000 स्क्वायर फीट जगह उपयुक्त होती है। इसमें कुल लागत लगभग 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं। इसमें शेड और अन्य उपकरणों में लगभग 50 से 60 हजार में आती है। ईयरली प्रोडक्शन करीब 3 से 5 टन तक हो सकता है। पूरा रेवेन्यू लगभग 4 से 5 लाख तक होता है। केचुओं द्वारा भूमि की उर्वरता, उत्पादकता और भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों को लंबे समय तक अनुकूल बनाए रखने में मदद मिलती है। अतः पूरी तरह इको फ्रेंडली और सरल प्रक्रिया होने से यह एक अच्छा बिजनेस विकल्प है। उद्यमी यानी अल्टीमेट ड्रीम ऑफ यंग एंड मॉडर्न इंडिया आपको हर समय नए नए व्यापार के बारे में जानकारी देता है। नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.udyami.org.in पर। आपके बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 7526000333 या 7526000555 पर कॉल कर सकते हैं।